Hi guys, I am here with an exercise related to verb or you can say related to tense. जो ये tense है इसमें main verb के कौन से form भरे जाएंगे, main इसमें ever न है. First sentence लिखा हुआ है, she will get you a new pair of jeans on birthday. तो जब हम कभी will और shall का यूज करते हैं तो उसके बाद verb का first form यूज करते हैं जो कि यहाँ पे get लिखा हुआ है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गेट. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, आई हैव बीन ट्राई टू बेक ए परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग. जब आई हैव बीन लिखा हुआ है यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय के साथ साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. आई हैव बीन ट्राइंग टू बेक ए परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यस थ्रो द बॉल वेरी फार एंड द बॉल बेंट. जो बेंट लिखा हुआ है यानी बॉल चली गई, पास्ट टेंस को बता रहा है, तो हमको यहाँ पे भी थ्रो का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस लिखना पड़ेगा जो कि करेक्ट आंसर होता है थ्रू. थ्रोन थर्ड फॉर्म होता है, थ्रो फर्स्ट फॉर्म, थ्रो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज बाइट बाई ए स्नेक. ही वॉज के साथ जब वर्ब लगा हुआ है और जब किसी चीज में बाई लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि ये पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस में सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. ही वॉज बाइटन बाई ए स्नेक, उसको एक सांप के द्वारा काटा गया, तो यहाँ पे बाइटन वर्ब का थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शिप सिंक टू द बॉटम ऑफ द सी. तो शिप सैंक और सैंक सिंक द बॉटम ऑफ द सी, सो ऑप्शन ए. आई नेवर यूज्ड टू मिस माय ड्राइंग क्लास इन स्कूल, मतलब स्कूल की बात कर रहे हैं अब जो हो गया, तो यहाँ पे यूज्ड यानी कि पास्ट टेंस होगा यूज्ड. आई वुड फॉरगिव हिम इफ ही हैड अपोलाइज्ड. तो जब कभी भी वुड के बाद लगाते हैं तो हैव, आई वुड हैव फॉरगिवन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हिम इफ ही हैड अपोलाइज्ड. आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माय वैलेट गॉट, और जब कभी भी गॉट लिखा हो तो यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म स्टोलन. सी गेट द मेल लास्ट वीक, तो जब लास्ट वीक लिखा हुआ है तो गॉट को पास्ट को बताता है, पास्ट सिंपल को, तो यहाँ पे गॉट हो जाएगा. और मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ यानी दूध पीना, तो इसके लिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं जिसको कि हम जीरंड और इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो ये जीरंड है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ड्रिंकिंग इज करेक्ट, ड्रिंकिंग. और दैट केम इट वॉज पिच डार्क हाउ एवर देयर दैट केम फ्रॉम द फार्मर्स हट, हाउ देयर वॉज ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.